तो मैं मुख्तसर और आखिरकार में सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि खुदा उम्मीद है और हम अपनी तरफ से मायूस होते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के कौल का मतलब ये, जब मैं अपनी ज़ात देखता हूँ, अपनी कोताहियों को देखता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि आई डिज़र्व हेल, मगर जब मैं खुदा की तरफ देखता हूँ सिर्फ उम्मीद है, करम है, साया ज़ुल जलाल वल इकराम नज़र आता है। तो हमें चाहिए कि एक आध अपनी गलत सिफत को सामने रख लें और खुदा से तौफीक मांगें, एंड वी शुड बी डिटरमिन कि सम डे वी शैल बी एबल टू रिमूव दिस स्टिंक फ्रॉम आवर सेल्व्स। और ये जो मैंने अभी आपको चंद बातें बताई हैं, ये उम्मीद से बहुत आगे की हैं। इन बातों से हम खुदा की मोहब्बत खरीद सकते हैं। ये सेल पे जाओ, एहसान करो लोगों पर, हैं, मुतवक्किल हो जाओ थोड़े से, उसी से तवक्कल पर भरोसा रखो कि वो सब कुछ वही है, कोई पत्ता वाकई नहीं हिलता है। जो जो आप जाओगे उम्रन ख्यालन, तो आपको एहसास होगा कि ये सारी दुनिया फेक थी। एक एक शख्स इलाहाती कंप्यूटर की तरह ये नहीं दो बैठे हुए मेरे मोहतरम दोस्त, एक एक रिकॉर्डिंग हो रही, कोई बचता नहीं है, ये मैं बता दूँ आपको। मगर वो आपको मारने के लिए नहीं बैठे हुए, रियायत का एक पॉइंट ढूंढ रहे होते हैं, एक एक बात। ये जहाँ नमाज पढ़ रहे, नमाज नमाज आपको इसलिए नहीं पढ़ाता क्योंकि जबरन को हुक्म किसी जाबिर हुक्मरान का नहीं है, पता है कुरान में अल्लाह क्या कह रहे हैं, ये इसलिए नहीं आया कि तुम्हें ज़रूर उसने कोई यानी फौजी कौम बनाना है पांच वक्त में, कहता है आकम सलात अल ज़िक्री, नमाज कायम करो मेरी याद के लिए। अब नौयत चेंज नहीं हो जाती। अगर आपको ये बताओ कि खुदा इसलिए नमाज को बुला रहा है कि आकम सलात अल ज़िक्री, मेरी याद के लिए आओ, पांच वक्त याद करोगे तो मैं पचास मरतबा करूँगा, फज़कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हें याद करूँगा। हमारा तस्बीह का असूल भी ये है, हम आपको इसलिए तस्बीह नहीं देते, ये कोई जादू का लफ्ज़ नहीं है, हम आपको इसलिए तस्बीह देते हैं कि आप यकीन रखो कि खुदा आपको याद कर रहा है, उसका वादा है। और ये याद क्या चीज़ है, यही ईमान है, यही कुफर के ख़िलाफ़ है। तुम मुझे याद करते रहोगे मैं तुम्हें याद करता रहूँगा, क्या अच्छी बात, क्या दोस्ती है, क्या मोहब्बत है, बग़ैर किसी मोबाइल के सीधी सारी। इसके लिए वो को टके वाला चीज़ भी नहीं चाहिए, नमाज पढ़ लो एंड बिलीव इट कि गॉड रिमेंबर्स यू, एंड बिलीव इट इफ ही रिमेंबर्स यू, आपको खसारा नहीं हो सकता, खसारा नहीं हो सकता। अगर चाहो और कोशिश करो। अच्छा एक और भी सुन लो, सुबह नहीं ना उठा जाता, बड़ी परेशानी होती नहीं कहीं सुबह, मगर तुम्हें किसने, ये मैं वैसे इजाज़त नहीं दे रहा हूँ किसने, अरे फतवा ना बना देना, ये आई इसीलिए, ये जब ये आयत आई ना कुरान में कि आँख में सलात अल ज़िक्री, मेरे जिक्र के लिए नमाज कायम करो, तो अल्लाह के रसूल ने पता क्या कहा था, जब मिल जाए पढ़ लिया करो। भाई अगर सुबह मिस हो गई है आधे घंटे बाद उठे तो उठ के पढ़ लो, कितनी आसानी हो जाती, कितनी आसानी हो जाती। तो असहाब इतने खुश थे कि मदीना में इस आयत का रौला पड़ गया था, लोग खुशी थे, बांट रहे थे कि चलो यार ये जो है ना कि कभी कभी तो चलो कज़ा हो ही जाती सबकी, मगर इसका ये फ़ायदा हुआ कि इसका मतलब ये था कि तुम जितना चाहो और जिस तरह अगर तुम्हें एक मिस हो गई है तो उसके अफसोस में ना रहो, बल्कि जब भी नमाज मिल जाए उसको पढ़ लिया करो। और ये भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की तरफ से एक इनाम की सूरत होगी, छोड़ा ना करो। ज़्यादा पढ़ते हो भाई, ना पढ़ा करो ज़्यादा, इब्तदाई नमाज पढ़ लिया करो, चार चार पढ़ लिया करो, बहुत थके हुए हो असर और जहर के चार चार जमा, देखो ये आठ 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 आई हैं, आठ आठ
इशा और मगरब लगता है कि यार दोबारा जागा ही नहीं जाएगा, तो मगरब के साथ में इशा मिला के पढ़ लिया करो। दस्तूर ना बनाओ, ये तरीक़ा अमूमी ना हो, मगर इंसान की बदनी अहलियत पे इस तरह जोहर होना सरीका ठीक कर लिया करो, समझे। जब ये पता लगे और तसाहल हो कि अगली ज़रूर चली जानी है, तो फिर इस तरह पढ़ लिया करो, ठीक है। एंड मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। इफ़ देर इज़ एनी क्वेश्चन विल राइट। ये है कि इज एवोल्यूशन नेसेसरी फॉर एवरी प्रेयर। सलामत रखो, सलामत रखो, वजू सलामत है तो सलामत है। तो मैं तो आपको एडवाइस करूँगा कि सर्दियों के दिनों में जुराबें पहने रखा करो, ताकि उस पर मसा हो जाए। सबसे ज़्यादा तकलीफ पाँव धोने में होती है सर्दियों में, तो जुराबें पहने, जूते पहने, ऊपर मसा कर लो। सिर्फ मुँह हाथ ही धोना है, वो तो आपको कोई एतराज़ नहीं होगा, 10 मरतबा धो लोगे। तो ये तरीका है वजू रहने का और कम वजू रहने का। और अगर हर मरतबा आपको जूते शूते सारी जुराबें उतार के पढ़ना पड़े, तो फिर वाकई मुसीबत पड़ जाती कभी, ख़ासकर इस ठंड में। तो जब खुदा का कानून मौजूद है, तो आई टू ऑलवेज एडवाइज पीपल इन द विंटर्स, पर्टिकुलरली दिस काइंड ऑफ विंटर्स वेर एवरी थिंग फ्रीजिज इन अ सेकेंड। तो हम तो कहते हैं कि यार जब जुराबें शराबें पहन लिया करो, जूते ज़रूरत अगर वजू टूट जाए तो ऊपर थोड़ा सा इधर उधर मार मूर के तो बस वजू हो जाए पूरा, वरना पूरा वजू करना पड़े ना तो ओह माय गॉड, वी आल्सो सफर दिस ट्रेजेडी। तो ये लाजम नहीं है, नमाज के वक्फों में आप वजू टूटा ही रहता है बाज़ का नहीं, मगर अगर आप वजू कायम रखना चाहते तो उसकी टेक्नोलॉजी सीख लो बस, और उसमें से लीस्ट जो है ना तकलीफ दे बायस ये है कि जूते जराबें पहने रखो, इन पे मसा हो जाता है, इसलिए आप पूरे से। मुझे पता है सबसे ज़्यादा तकलीफ दे अमल जो है पाँव धोना ही होता है, जब हर नमाज के उससे आप बच जाओगे, सारा दिन बच जाओगे, 24 घंटे बचे रह सकते हैं। ये सवाल मुझे पूरा समझ नहीं आया कि सारी रात जाग रहे हैं तो क्या अजान से कुछ वक्त पहले नमाज पढ़ के सो जाएं? अजान से पहले बताएंगे। देखो ना, हमारे यहाँ होता है ये, मगर हमारे यहाँ ये होता है कि लोग सारी रात जागते हैं और अजान सुनने के बाद नमाज पढ़ के सो जाते हैं। ये है अप्रोच वो नहीं है जो आप कह रहे हैं। टाइम जो है वो देखो ना, आप अगर आप आधी रात को सुबह की नमाज़ पढ़ लोगे तो हमें तो कोई अर्ज नहीं, आप पढ़ लो, मगर वो सुबह की अजान नहीं समझी, नमाज नहीं समझी जाएगी, वो तहज्जुद के नवाफल समझे जा सकते हैं, वो सुबह की नमाज नहीं समझेगी। सुबह देखो बड़ी चीज़ है, वो जोश मली आबादी ने कहा था कि हम ऐसे अहल यकीन को सबात हक के लिए, अगर रसूल ना होते तो सुबह काफ़ी थी, मगर वो सुबह कौन सी है, सुबह काजिब है, सुबह सादिक है। तो आपको असूलन चीज़ें वक्त पर पढ़नी चाहिए, टाइम का हिफाजत करो, और टाइम पर नमाज ही नमाज होती है। आप अगर रात अजान सुनने से पहले नमाज पढ़ के सो जाओगे तो वो तहज्जुद के नवाफल समझे जाएंगे, सुबह की नमाज नहीं समझेंगे, समझेंगे। थोड़ा देर और जाग लो, अगर इतनी देर जागे हो तो थोड़ी देर और जाग लो, अजान सुन के नमाज पढ़ के सो जाओ, तो 3-4 सवाब ले लो ना।